दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज खाली तो करवा लिया गया है, लेकिन मरकज से निकलने वाले जमातियों ने हिंदुस्तान ही नहीं दूसरे देशों में भी कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के पास जो रिपोर्ट आई है उसने हिंदुस्तान समेत कई देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज से निकले 9000 जमातियों की पहचान कर ली गई है। इनमें से 1306 जमाती विदेशी हैं, बाकी भारतीय हैं। इन सभी के लैब टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इन सभी जमातियों के संपर्क सूत्र तलाशे जा रहे हैं। मरकज की इमारत से 2140 लोगों को निकाला गया है। इनमें से 250 तबलीगी जमाती विदेशी हैं। इन जमातियों में से 1804 को क्वारंटीन किया गया है, बाकी 334 जमातियों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तबलीगी जमात वर्कर्स के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगी। स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर के होम मिनिस्ट्री ने एक मैसिव एफर्ट लॉन्च किया था और टीजे वर्कर्स और उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स करीब 9000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और क्वारंटाइन में प्लेस किया गया है। इन 9000 लोगों में से करीब 1306 लोग फॉरेनर्स हैं और बाकी इंडियंस हैं और इस पे संपूर्ण रूप से कार्रवाई चल रही है। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 9000 जमाती कितने लोगों से मिले होंगे, कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, इनमें से कितने कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे और कितनों को इन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित किया होगा। ये जमाती दुनिया के 16 देशों से आकर दिल्ली के मरकज में तबलीगी जमात के लिए इकट्ठा हुए थे। इनमें इंडोनेशिया, इंग्लैंड, मलेशिया, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, बेल्जियम और इटली जैसे देशों से आए जमाती भी शामिल थे, जहां कोरोना वायरस ने पहले ही पांव पसार रखा था। निजामुद्दीन मरकज की तबलीगी जमात के लोग देश की मस्जिदों से मौत बांटने निकले थे। इन जमातियों ने सफर के दौरान हजारों लोगों में कोरोना बांटा होगा। मस्जिदें अल्लाह की रहमत के लिए होती हैं, लेकिन इन तबलीगी जमातियों ने मस्जिदों को मौत का घर बना दिया। तबलीगी जमात के मुखिया मोहम्मद साद के खिलाफ हिंदुस्तान में महामारी फैलाकर हत्या कराए जाने का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। कोरोना वायरस से जंग की खातिर पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन तबलीगी जमात के लोग इस बीच दिल्ली के मरकज से निकलकर देश के 19 राज्यों में पहुंच चुके हैं। आप भी देखिए कि ये जमाती किन किन राज्यों में पहुंच चुके हैं। जम्मू और कश्मीर में 885, जबकि हिमाचल में 107 जमाती पहुंच चुके हैं। असम में 456, मणिपुर में 11, अरुणाचल प्रदेश में 7, जबकि पश्चिम बंगाल में 71 जमाती पहुंच चुके हैं। गुजरात में 72, मध्य प्रदेश में 84, हरियाणा में 927, उत्तर प्रदेश में 157 जमाती निजामुद्दीन मरकज से पहुंचे हैं। राजस्थान में 550 जमाती, बिहार में 162 जमाती, झारखंड में 37, ओडिशा में 7, कर्नाटक में 1500 जमाती पहुंच चुके हैं। तेलंगाना में 1030 जमाती पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश में 1085 जमाती पहुंचे हैं। केरल में 60 और तमिलनाडु में करीब 1500 जमाती पहुंच चुके हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इन राज्यों में तबलीगी जमात में शामिल हुए जमातियों ने कोरोना वायरस की एक पूरी चेन बना दी है। सभी राज्यों में जमातियों की धरपकड़ की जा रही है।